आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दा टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूटूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवनटी फ़ाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यूटूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरे माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वृति वगानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैनु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक इक्कीस वर्षीय मनोरोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अथिनंट डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेट कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती या नहीं यह आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधातिक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को 90 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एंड टमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवनटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ यूट्यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की लेट कहाती है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मर्डरोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तोपरा स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंट डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिका की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान कर दी है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेट कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ दी है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्ती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रे जो है अब वो जो है वो कैसे उस अच्छर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूं जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोभी बुथरन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूटूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना विरति वागानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात कर रहे हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि 2015 में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक, एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हथियारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे से उस हथियारों हैत्यार, को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैराठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुस उसकी साड़ी चुरा कर उसे चढ़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात् विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घुलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा या आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर YouTube मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको YouTube पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की डेट कहा है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वृति वगानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवा विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि 2015 में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लतिका की जो हत्या थी वो कांपी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हथियारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्माधात् विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली याल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मरदानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अच्छर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूटूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू एस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा या आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मर्दानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदा नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दा ने मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूटूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यूट्यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरे माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सानु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नई पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ दी है या फिर उससे उसमें कामयाब होती या नहीं यह आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्व पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधातिक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रावीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रावीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मरदानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रे जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पे रेंट पे अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को 90 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवनटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहाती है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वृति वघानी पारीवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मनोरोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तोबरा स्थल पर पहुंचती है और आपने महिला देसी अधी एस पी ब्रुद्ध शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली थ्रल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोभी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट काफ़ी होती है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना विरति वाघानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात कर रहे हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो हज़ार में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, 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 एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अधीक्षक रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हथियारों को पकड़ दी है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैराठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वह शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुराने मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी ये जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुथरन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों ये मूवी यूटूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूटूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंसल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वृति वगानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक इक्कीस वर्षीय मनोरोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी ब्रुद शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हथियारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो तो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हथियारों हेक्तियार, को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्माधात्विक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली याल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पे निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है यह आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूटूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मर्दानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दा टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूटूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यूट्यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को जो कि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अधीक्षक रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डी एस पी ब्रुद शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता का जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती या नहीं यह आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्व पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का कर दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधातिक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रावीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रे जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पे रेंट पे अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मर्दानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने पौन घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूटूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी वहाँ पर भी ये आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वगानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अल्वात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैनु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मनर वोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तोबरा स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो क्या से उस हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधातिक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब भाग वाले कहने के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूं जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोभी बुथरन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंसल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना विरति वागानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैनु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात कर रहे हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि 2015 में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अधीक्षक रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी ब्रुद्ध शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान कर दी है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डढ़ बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ दी है या फिर उसे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैराठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घुलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली याल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी ये जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूए सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एंड है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुथरन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूटूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूटूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवनटी फाइव रुपीज़ यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंसल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वृति वगानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुँचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हथियारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे सी उस हथियारों हैत्यार, को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली थ्रिल वाली मूवी देखिए बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूटूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दा नेटू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूटूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यूट्यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की लेट कहा है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को जो कि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मनर रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो क्या सी उस हत्यारों को पकड़ दी है या फिर उससे उसमें कामयाब होती या नहीं यह आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्व पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरेट से कोर्ट आया होता है और शिवानी को पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रावीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रावीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने आप निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मरदानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसके कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने पौन घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को 90 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी वहाँ पर भी आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल जेठवा श्रुति बापना वृति वगानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवा विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जीशु सनु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मनर रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तोरा स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो क्या से उस हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधातिक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रावेण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्राइवेण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूं जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोभी बुथरन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंसल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना विरति वागानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैनु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात कर रहे हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि 2015 में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक इक्कीस वर्षीय मर् रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अधीक्षक रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी ब्रुद शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ दी है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे जुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्ती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं घुलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने आप निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी ये जो है अब वो जो है वो कैसे उस अच्छर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूटूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूए सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दो इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को 90 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एंड है वहाँ पर 50 परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूटूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूटूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मज़ा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हथियारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे सी उस हथियारों हैत्यार, को पकड़ती है या फिर उसे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली याद थ्रिल वाली मूवी देखिए बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मरदानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रे जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूटूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूटूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसके कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दा ने टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी के बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉटन है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी के जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यूट्यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल जेठवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सानु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस साहब कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को जो कि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, -एक इक्कीस वर्षीय मनरवोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती या नहीं यह आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का कर दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्माधात्ती विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रावीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली याल वाली मूवी देखिए बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने आप निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्चर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसके कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने पौना घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90 परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की लेट कहाती है इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वगानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसु सैनु गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस साहब कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा एक नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तोपरा स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंस डी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिता की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लीड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टेपर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधातिक विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाले थ्रिल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस हक्षर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पे रेंट पे अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूं जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोभी बुथरन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर YouTube मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर ये बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंशल साहू विशाल जेठवा श्रुति बापना विरति वाघानी पारिवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात कर रहे हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक, एक, एक इक्कीस वर्षीय मर्डर वो सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अधीक्षक रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुँचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डी एस पी ब्रुद्ध शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललतिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेट कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ दी है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मैराठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक वोक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली याल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है तो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब ज़ाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वृत्ति वगानी पारीवी प्रणाति गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो हज़ार में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मन रोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लतिका की जो हत्या थी वो कांपी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डढ़ बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेट कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो क्या सी उस हत्यारों हैत्यार, को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती है नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टे पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात् विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बीसने वाला बन जाता है और ख़ुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रिल वाली मूवी देखिए बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मर्दानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मर्दा नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मर्दा नेटू मूवी है इसे 2019 में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने दो घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉडन टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूटूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूटूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ यू को पे करेंगे तो आप इसे यूटूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एटी रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की रेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस ऑफ कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम जरूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूंकि दो में यू परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मनरवगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा के नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तो अपराध स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंश डीएसपी एस पी शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिका की जो हत्या थी वो काफी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हथियारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डढ़ बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हथियारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब होती या नहीं यह आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्व पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को पर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हत्यारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुराकर उसे चुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पे तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्माधात्वी विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्रवीण को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्रवीण की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक भूख लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाली या थ्रिल वाली मूवी देखिए बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है चुरानी मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो फ्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पे रेंट पे अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसके कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यू सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा यह आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है और मैं दोस्तों आज आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दो पार्ट में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि इस मूवी का आपको तीसरा पार्ट भी यूट्यूब पर देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मरदानी टू इससे पहले भी इस मूवी का एक पार्ट आया था मरदानी नाम से वो भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों ही पार्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकूँ तो जो मरदानी टू मूवी है इसे दो में रिलीज़ कराया गया था और इस मूवी के अंदर आप सभी को एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाता है रन टाइम इसका बहुत ही कम है लगभग पौने देव घंटे की ये मूवी रही थी ये मूवी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊँगा पहले इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं तो रेटिंग दोस्तों इस मूवी की बहुत ही बढ़िया है जो आई है वहाँ पर दस में से इस मूवी को सात पॉइंट थ्री की रेटिंग मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी इस मूवी को नाइन्टी परसेंट लोगों ने लाइक दिया हुआ है और जो रॉड एंड टोमेटोज है वहाँ पर फिफ्टी परसेंट लोगों ने लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर गोपी पुत्रन रहे थे और जो गोपी पुत्रन है वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की मूवीज़ इन्होंने दे रखी है अब वापस लौटते हैं मूवी की तरफ कि यह कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी दोस्तों यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है पर मैं आपको बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर आप सभी को रेंट पर मिलेंगी जो यशराज फिल्म का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी यह मूवी आपको मिल जाएंगी या फिर यूट्यूब मूवीज़ के जो चैनल से वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं और इस मूवी की जो रेंट प्राइस है वो रखे गए हैं सेवेंटी फाइव रुपीज़ मतलब जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब पर इस मूवी को देखना है तो अगर आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ यूट्यूब को पे करेंगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं इसके अलावा ये मूवी एप्पल टी वी और अमेजन प्राइम वीडियो दोनों जगह पर अवेलेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं मगर मेरी माने तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यूट्यूब हो सकता है क्योंकि यूट्यूब पर इसके जो रेंट प्राइस है बहुत ही कम है बाकी जो एप्पल टी वी है वहाँ पर भी ये आपको एट रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगी जो मूवी की लेट कहा इसके अंदर आपको अवनीत कौर रानी मुखर्जी अंचल साहू विशाल चेटवा श्रुति बापना वीरती वघानी पारिवी प्रनाती गरिमा जैन तेजस्वनी सिंह अलवात विक्रम सिंह चौहान कीर्ति चौधरी और जिसुसैन गुप्ता यहाँ पर आपको बहुत सारे किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इस मूवी की कहानी है जो कि बाइस कमाल की है और एंड तक बांधी भी रखती है और ऐसी मूवीज़ देखने का मजा कुछ और ही होता है तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कहानी क्या है और इसके अंदर आपको खास क्या देखने को मिलता है ये सारी बात करते हैं पर पहले इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो मूवी का बजट था सत्ताईस करोड़ का और इस मूवी का कलेक्शन लगभग पैंसठ करोड़ का हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत तो दम ज़रूर है जो मूवी की जो कहानी है वो शुरुआत होती है क्रेडिट में शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी को चूँकि दो में यूपीएससी परीक्षा पास करके एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए दिखाया गया होता है और फिर कहानी जाती है कोटा राजस्थान में जहाँ पर एक इक्कीस वर्षीय मनरोगी सनी यानी कि विशाल जेठवा और एक जो मुखर युवा महिला लतिका का अपहरण कर लेता है और उसे वो बहरमी से जो है पीड़ित करता है और बाद में उसका बलात्कार भी कर देता है और उसकी हत्या कर देता है शिवानी जी ने कोटा एक नए पुलिस अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया होता है तोपरा स्थल पर पहुंचती है और अपने महिला देसी अधिनंस डी एस पी ब्रुज शेखावत यानी कि सुमित निजवान के साथ बैठ जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ललिका की जो हत्या थी वो काफ़ी कुर्ता के साथ हुई थी और शिवानी को परेशान करती है और उस हत्यारों को पकड़ने के लिए वो अधिक डर बनाती है तो यहाँ पर मूवी की जो लेड कहानी है इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि वो कैसे उस हत्या और हत्यारों को पकड़ती है या फिर उससे उसमें कामयाब हो दिया नहीं ये आपको मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है सनी जो कि वास्तव में राजनेता गोविंद मिश्रा उर्फ पंडित जी यानी कि प्रसन्ना केतकर द्वारा दी गई हत्या की सुपारी पर मेरठ से कोर्ट आया होता है और शिवानी को टेपर देखता है जब वह सार्वजनिक रूप से लतिका के हथियारों को खोजने का दावा करती है और वे शिवानी के घर में घुसकर उसकी साड़ी चुरा कर उसे जुड़ाता है फिर वह एक महिला के रूप में भी यहाँ पर तैयार होता है और पत्रकार कमल परिहार यानी कि अनुराग शर्मा को धोखा देता है और उसे भी मार डालता है और वे एक आत्मधात्री विस्फोट में पत्रकार की पत्नी आबा परिहार को मारने के लिए पुलिस स्टेशन के पास एक चाय बेचने वाली प्राइवेट को भी काम पर रख लेता है फिर शिवानी पर नजर रखने के लिए प्राइवेट की जगह चाय बेचने वाला बन जाता है और खुद को एक मूक लड़के के रूप में पेश करता है अब यहाँ पर दोस्तों मूवी के अंदर जो ट्विस्ट आते हैं वो दम धमाकेदार है जो कि आपको अपनी कुर्सी से बिल्कुल भी नहीं भूलने देंगे अगर आप दोस्तों ओल्ड जो है सस्पेंस वाले थ्रल वाली मूवी देखें बोर हो चुके हैं तो इस कमाल की मूवी को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है इसकी कहानी तो बेहतरीन है ही पर इस मूवी के अंदर आपको जो है जो मुखर्जी है इनका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा जो कि भाई सच में कमाल का है और वो जो किरदार है इन्होंने यहाँ पर निभाया है वो सच में बेहतरीन है और वो दोस्तों आपको जो है ज़रा भी निराश नहीं करेगा मूवी की कहानी भी काफ़ी अच्छी है और मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनाई गई है अब आगे वाली कहानी के अंदर आपको ये दिखाता है कि जो म, मर्दानी यानी कि जो मूवी की जो हीरोइन है रानी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉय जो है अब वो जो है वो कैसे उस अचर को पकड़ती है और इसमें कितनी सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है ये आपको इस मूवी के अंदर आगे दिखाया गया है फिलहाल इस मूवी को आप यूट्यूब पर तो प्री में नहीं देख सकते हैं मगर ये मूवी यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा और कुछ अच्छा आप देखना चाहते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो मूवी है इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी को यूएस सेंसर भी किया गया है तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा ये आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बता सकते हैं